हाँ जी सभी को नमस्कार। और जिस तरह से सब बच्चे डिमांड कर रहे थे चैप्टर नंबर 5 बुक 1 की, तो आज हम वही करने जा रहे हैं। चैप्टर का नाम है आपका कंटेम्प्रेरी साउथ एशिया, समकालीन दक्षिण एशिया। ठीक है, करते हैं स्टार्ट। फिर 3 पॉइंट्स में इसका इंट्रोडक्शन है। द वर्ड साउथ एशिया सिग्निफाइज अ ग्रुप ऑफ 7 कंट्रीज। तो ये शब्द है आपका दक्षिण एशिया, क्या करता है ये शो, ये आपके 7 देशों को प्रतीक है। ये क्या, कौन कौन सी कंट्रीज हैं आपकी? इंडिया, भारत, भूटान, बांग्लादेश, दी मालदीव्स, नेपाल, श्रीलंका एंड पाकिस्तान। इन 7 कंट्रीज से मिलके आपका जो है साउथ एशिया, जो आपका दक्षिण एशिया है, वो बना हुआ है। चाइना इज एन इम्पॉर्टेंट प्लेयर बट इट इज़ नॉट कंसिडर्ड टू बी अ पार्ट ऑफ द रीजन। मतलब चाइना एशिया का बहुत अच्छा प्रमुख खिलाड़ी है, मतलब अच्छी इकोनॉमी जा रही है उसकी, लीडर बनने वाला है वो, बट वो हमारे रीजन का पार्ट नहीं है, मतलब साउथ एशिया का वो हिस्सा होके भी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट पर आते हैं। वैसे एक और बात, ये जो क्वेश्चन है ना, ये मैप में आया था, पूछ लेते हैं कि ऐसा कौन सी कंट्री है जो एशिया का पार्ट नहीं है, तो ऐसा पूछ सकते हैं 1 मार्क्स में मैप्स में। थर्ड पॉइंट, साउथ एशिया स्टैंड फॉर डाइवर्सिटी इन एवरी सेंस एंड येयर कंस्टिट्यूट्स 1 जियोपॉलिटिकल स्टेट्स। मतलब एक ये इतना सा स्पेस है, इतनी जगह हमारी है, ठीक है, बट इसमें एकता ये है कि हम लोग एक जगह रहते हैं, हालांकि हमारी भाषाएं, हमारी बोलियां, हमारे कल्चर डिफरेंट है, डाइवर्सिटी है यहाँ पे। इसका मतलब होता है हिंदी में विविधता होता है, इसका मतलब अनेकता। ठीक है, तो ये जो हो गया, ये हो गया आपका इंट्रोडक्शन हो गया आपका। अब इंट्रो के बाद चलते हैं एक ऐसे क्वेश्चन पे जो बहुतों को समझ नहीं आता, क्योंकि बुक में काफ़ी मुश्किल दिया हुआ है, तो मैंने इसको एज एक फ्लो चार्ट में एक्सप्लेन किया हुआ है। क्वेश्चन क्या है? मिलिट्री रूल, सैनिक शासन एंड डेमोक्रेसी, लोकतंत्र मीन सरकार। ठीक है, मिलिट्री रूल डेमोक्रेसी आर द 2 फेसेस ऑफ सेम कॉइन। एक्सप्लेन, सैनिक शासन और लोकतंत्र एक सिक्के के 2 पहलू हैं। एक सिक्का है, इसके 2 होते हैं पहलू, हेड्स या टेल्स। तो आपको ये प्रूफ करना है कि ये पाकिस्तान है, पाकिस्तान में कभी तो होती मिलिट्री, कभी होती वहाँ पे आपकी सरकार, गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी। तो ये आपको प्रूफ करना है। ठीक है, तो ये इस तरह से मैंने आपका पूरा जो आंसर, आपको आंसर फ्रेम करना पड़ेगा आपको एग्जाम, उसमें ऐसे मत लिख के आना, सिर्फ समझाने के लिए मैंने आपको इस तरह से आंसर लिख के दिया है। तो करते हैं स्टार्ट। देखिए, जैसे ही पाकिस्तान ने अपना कॉन्स्टिट्यूशन फ्रेम किया था, वैसे ही मिलिट्री आई। मिलिट्री मीन्स जनरल अयूब खान ने देश को संभाला, लेकिन देर वाज पॉपुलर डिससेटिस्फैक्शन अगेंस्ट हिज रूल। उनके खिलाफ, उनके ना, उनसे लोग खुश नहीं थे, उनके खिलाफ काफ़ी मूवमेंट्स हुए उनको रिमूव करने के लिए, और उनको रिमूव कर दिया गया। किसने रिमूव किया था? जनरल यहिया खान। मिलिट्री एम आ गया ना, जनरल मीन्स पहले मिलिट्री गई, फिर दोबारा मिलिट्री आ गई। जनरल यहिया खान ने जब देश को संभाला, तो उनको 2 चीज़ें फेस करनी पड़ी। एक क्या थी आपकी? बांग्लादेश क्राइसिस, ईस्ट पाकिस्तान, शेख मुजीबुर रहमान को आपने सुना होगा, वो वाली पढ़ाऊंगा आगे आपको मैं, वो देखनी पड़ी। दूसरा वॉर विद इंडिया, जिसमें पाकिस्तान आपको हार भी गया था, और इन दोनों को चल के आगे बांग्लादेश नाम की कंट्री बन गई थी। ठीक है, तो यहिया खान को ये सब फेस करना पड़ा, तो वही इनको भी अपनी गद्दी को छोड़ना पड़ा। पहली बार जो आपकी सरकार आई थी, वो कब आई थी? 1971 में। किसकी? जुल्फिकार अली भुट्टो की। क्या लिखा भाई? डेमोक्रेसी मीन्स सरकार। ठीक है, कब आई थी? 1971 से लेके 1977 तक। लेकिन भाई इनको भी किसने हटाया था? जनरल जिया उल हक ने। कब हटाया था? 1977 में। फिर मिलिट्री आ गई है, मिलिट्री आई, मिलिट्री डेमोक्रेसी, फिर मिलिट्री आ गई है। जनरल जिया उल हक ने कब थे? 1977 से लेके 1988 तक इन्होंने अपना रूल किया, लेकिन ही फेस अ प्रो डेमोक्रेसी मूवमेंट फ्रॉम 1982। मतलब इस वर्ष से, साल से इनके खिलाफ मूवमेंट जो है वो होने लग गए थे। एट लास्ट इनको किसने रिमूव किया था आपका? बेनजीर भुट्टो ने। कौन, मतलब क्या है? सरकार दोबारा आ गई। डम कब आई थी? 1980 में। ठीक है, अब ये जो था ना, इस डेट से लेके 88 तक, 99 तक ना, 2011 साल थे ये चले 2 पार्टियों के बीच में। मतलब एक थी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एक थी मुस्लिम लीग। ठीक है, तो जब ये हटी, तो फिर हमारे पाकिस्तान के वो बन गए थे, नवाज शरीफ पीएम बन गए थे। तो क्या कह रहे हैं, उनको उसने हटाया, उसके बाद दोबारा मिलिट्री आ गई। कब आई? जनरल परवेज मुशर्रफ। कब? 1999 में। ही रिमूव्ड पीएम नवाज शरीफ, इन्होंने रिमूव कर दिया। एंड इन 2001 जनरल परवेज मुशर्रफ गॉट हिमसेल्फ इलेक्टेड एज प्रेसिडेंट। वो खुद जो है पाकिस्तान के राष्ट्रपति बन गए। तो ये थी पूरी कहानी। आपको हमें प्रूफ करना था कि पाकिस्तान एक सिक्का है, 2 उसके पहलू हैं। पहलू क्या है? मिलिट्री और डेमोक्रेसी। ठीक है, सेना और आपका ये सरकार। हमने प्रूफ कर दिया है, मिलिट्री आई दोनों बार,
स्टार्टिंग में, फिर डेमोक्रेसी आ रही है, फिर मिलिट्री आई, फिर डेमोक्रेसी आई, फिर मिलिट्री, एंड लास्ट में आप उसने मिलिट्री ने भी रूल किया। ये ना जनरल मतलब क्या होता है कि जो एक मिलिट्री का पर्सन है वो कंट्री को आपका रूल कर रहा है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं 4 मार्क्स में। चलते हैं आगे हम लोग। आगे अगर हम चलते हैं तो सवाल क्या आता है आपका कि ऐसा क्यों है, व्हाई रीज़न भाई। इंडिया में 1950 से लेके आज तक कभी मिलिट्री रूल हुआ ही नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में बार बार मिलिट्री आ रही है, क्यों आ रही है, रीजंस क्या है। ये क्वेश्चन भी आपका आता है, क्वेश्चन नेक्स्ट है आपका कि भाई और फैक्टर्स रिस्पॉन्सिबल फॉर पाकिस्तान्स फेलियर इन बिल्डिंग स्टेबल गवर्नमेंट, ठीक है। ऐसे कारक लिखिए जो पाकिस्तान में सरकार ना होने की वजह से अस्थिरता क्यों है। ऐसी बतानी आपको कि पाकिस्तान में सरकार क्यों नहीं बनती है, वहाँ पे स्थिरता सरकार में क्यों नहीं है, वहाँ पे डेमोक्रेसी को बार बार मिलिट्री आके क्यों रूल करती है, ऐसा आपको प्रूफ करना है। तो 1, 2, 3, 4 ये आपकी 4 पॉइंट्स हैं, ये जो आप पूरा आपका आंसर है इसमें आपको एक्सप्लेन किया हुआ है। करते हैं स्टार्ट। पहला, सोशल डोमिनेंस, सामाजिक दबदबा। सोशल डोमिनेंस ऑफ द मिलिट्री क्लर्जी एंड लैंड ओनिंग एरिस्टोक्रेसी हैज लेड टू द फ्रीक्वेंट ओवरथ्रो ऑफ इलेक्टेड गवर्नमेंट। मतलब क्या है इसका, मतलब इसका यह कि पाकिस्तान में क्या है, पाकिस्तान में इन सब का दबदबा है, मतलब इन सब की चलती है, और ये लोग जो है बार बार सरकार को क्या करते हैं, उठा के बदलते हैं, बाहर के तुम जाओ हम रूल करेंगे, और होता ही है कि बार वहाँ पे जो मिलिट्री है वहाँ पे रूल करती है। ये फर्स्ट पॉइंट हो गया आपका। नेक्स्ट पॉइंट, कन्फ्लिक्ट विद इंडिया। आप सभी जानते हैं कि भाई भारत से पाकिस्तान बहुत बार लड़ाई हुई है और हमेशा वो हारा ही है, ठीक है। तो वही कह रहे हैं, पाकिस्तान कन्फ्लिक्ट विद इंडिया हैज़ मेड द पैरामिलिट्री ग्रुप्स मोर पावरफुल। भाई पाकिस्तान से मिलने के बाद है ना, सॉरी पाकिस्तान इंडिया तो है ही था ही स्ट्रॉन्ग, लेकिन पाकिस्तान की जो फोर्सेस थी वो मिलिट्री मतलब तो है थोड़ी सी आपकी पावरफुल हो चुकी है, शक्तिवान हो चुकी है वो लोग। तो दीज ग्रुप्स हैव ऑफन सेड दैट पॉलिटिकल पार्टीज ऑफ डेमोक्रेसी इन पाकिस्तान आर फ्लॉड। मतलब इनका मानना है, ग्रुप्स मानते हैं कि जो पाकिस्तान की सरकारें हैं, जो पाकिस्तान की पॉलिटिकल पार्टीज हैं, वो क्या है, उनमें बहुत कमी है, वो मतलब ही है, वो सेल्फिश है, वो अपने लिए काम करती हैं, देश के लिए काम नहीं करती हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, लैक ऑफ इंटरनेशनल सपोर्ट। मतलब द लैक ऑफ जेन्युइन इंटरनेशनल सपोर्ट फॉर डेमोक्रेटिक रूल इन पाकिस्तान हैज फर्दर इनकरेज द मिलिट्री। मतलब लैक मतलब क्या होता है, कमी, कि इंटरनेशनल स्टेज पे कोई भी कंट्री जो है, मेनली वेस्ट, US हो गया या ब्रिटेन, फ्रांस हो गए, ये कंट्रीज चाहती नहीं है कि पाकिस्तान में सरकार है। क्यों? इनके रीजंस अपने हैं, क्योंकि इनके खुद के सैन्य अड्डे हैं आपके पाकिस्तान में, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, द US एंड अदर वेस्टर्न कंट्रीज हैव इनकरेज द मिलिट्री रूल इन द पास फॉर देयर ओन रीजंस। वही बात जो मैंने बताई थी आपको कि जो US है, जो बाकी कंट्रीज है, ये चाहती नहीं है कि पाकिस्तान का आए, ये चाहती है पाकिस्तान में मिलिट्री रहे ताकि ये अपनी कंट्री जो है अपने आप में रूल जो है वो रखें बरकरार। नेक्स्ट पॉइंट, ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म। एज यू ऑल नो कि पाकिस्तान ऐसा मतलब अलाउड मतलब बोला नहीं गया इंटरनेशनली, बट पाकिस्तान एक टेररिस्ट कंट्री है, आए दिन वहाँ पे होते रहते हैं हमले, ठीक है। तो देर इज अ फियर दैट थ्रेट कॉल्ड ग्लोबल इस्लामिक टेररिज्म एंड अप्रिहेंशन दैट पाकिस्तान न्यूक्लियर। जो पाकिस्तान के परमाणु बम है, ऐसे वहाँ के लोग कहते हैं कि जो परमाणु बम है वो हाथों में ना आ जाए इन टेररिस्ट ग्रुप के, इसलिए वहाँ पे मिलिट्री होता है। सरकारें जो हैं सिक्योरिटी नहीं कर पाएंगी न्यूक्लियर बमों की, लेकिन जो मिलिट्री है वो कर पाएगी, ऐसा वो लोग आर्ग्यूमेंट देते हैं, ठीक है। तो हमें फैक्टर्स पढ़ने थे, तो हम लोग 4 फैक्टर पढ़ चुके हैं। अगर क्वेश्चन पूछते हैं आपसे तो पहला ध्यान दीजिएगा, आपको लिखनी है हेडिंग्स, हेडिंग लिखी, उसको मार्क किया, देन उसको इस तरह से एक्सप्लेन किया। मैंने थोड़ा शॉर्ट में लिखा हुआ है, अपनी बुक प्रीफर कीजिए, आप NCERT के उससे आंसर को थोड़ा लॉन्ग कीजिएगा, सारी बातें समझाना आपको। अगर आपको समझ में आ रहे हैं आंसर्स मेरे तो आप थोड़ा सा अगर फ्रेम कर देंगे, इट्स ऑल अबाउट द लेंथ यार। अगर थोड़ी सी लेंथ बड़ी होगी और आंसर में ऐसे आपकी प्रेजेंटेशन होगी तो डेफिनेटली आपको जो चेकर्स होंगे वो आपको अच्छे मार्क्स देंगे, ठीक है। सो थैंक यू सो मच आज के लिए, ये अभी इतना ही पार्ट करा पाऊंगा आपको मैं, थोड़ी मेरे पास कमी है समय की, क्योंकि एग्जाम्स चल रहे हैं बच्चों के 11th 12th के, तो मैं थोड़ा वहाँ भी चल रहा हूँ बिजी अभी। तो जितनी वीडियोस आ रही हैं आप उनको देखिए, और आई ट्राई माई बेस्ट की 20 मार्च से पहले पहले जितनी भी वीडियोज़ हो सकती हैं मैक्स टू मैक्स मैं कर दूँ अपलोड। थैंक यू सो मच।